बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को लेकर चर्चा जोरों पर है। हाल ही में समिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश घर के जंगल एरिया में बैठकर वाइल्ड कार्ड एंट्रीज पर बातचीत करती नजर आई। इस दौरान समिता शेट्टी ने कहा कि घर में इस वक्त वाइल्ड कार्ड एंट्रीज की जरूरत है, तो वहीं तेजस्वी प्रकाश भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती नजर आई हैं। लेकिन समिता शेट्टी को अब ये डर सता रहा है कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के जरिए जो भी कंटेस्टेंट बिग बॉस 15 में प्रवेश करेंगे उन्हें गेम पहले से ही पता होगा। ऐसे में समिता शेट्टी का डर भी जायज है। तो वहीं इस दौरान तेजस्वी प्रकाश ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम सब जंगल में रह जाएं और बिग बॉस वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के जरिए शो को आगे बढ़ाते रहें। इस दौरान समिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश निशांत भट्ट से पूछती नजर आई कि अगर घर में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं तो कितने कंटेस्टेंट घर में प्रवेश करेंगे। हालांकि निशांत भट्ट भी इसका ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाते। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अगर वीकेंड का वार में घर में वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं तो घर वालों का रिएक्शन क्या होगा। आपको बता दें कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के तौर पर राकेश बापट का नाम सुर्खियों में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस के घर में कौन प्रवेश करता है।